ओशो ज़ेन टैरो के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ लेजीनेस की, और कार्ड ऑफ लेजीनेस को हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर बेट की कार्ड नाइन ऑफ कप्स के साथ। नाइन ऑफ कप्स हमें एक ऐसी स्थिति बताता है जहाँ पे इस व्यक्ति के पास बहुत कुछ जो है इकट्ठा हो चुका है, एक ऐसी पॉजिटिव स्टेट जिसमें वो बहुत खुश है और साथ ही साथ वो कुछ छुपा भी रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके हाथ में कोई हीरा पड़ गया है और उसको लगता है कि अगर उसने ये मुट्ठी खोल दी तो उसका हीरा जो है उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जब आप इस कार्ड को फोर ऑफ कप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो फोर ऑफ कप्स में हम देखते हैं कि वो आदमी भी इसी तरह से बैठा हुआ है, लेकिन उसका सर जो है वो झुका हुआ है, उसने अपने आप को ब्लॉक करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हम जो ब्लॉकिंग देखते हैं वो एक ढंग की एक पॉजिटिव ब्लॉकिंग है। वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जो है आपके पास एक ऐसा धन आ गया है, एक ऐसी नॉलेज आ गई है, एक पॉजिटिव स्टेट आ गई है। अब उस पॉजिटिव स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, अब इस पॉजिटिव स्टेट को जो है अब इस पॉजिटिव स्टेट को प्रिजर्व करना है। अगर हम इस कार्ड को द कार्ड ऑफ लेजीनेस के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन जो है ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर लेजीनेस का इसमें अगर फैक्टर लेना है तो हम लेजीनेस का जो है इस तरह से फैक्टर ले सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है अपने पास इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब वो लेजी हो गया है। लेकिन जो नाइन ऑफ कप्स की जो राइट एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि इस स्टेट में जो है ये आदमी कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कप्स जो हैं इंटैक्ट हैं एंड इट्स अ पॉजिटिव स्टेट विच इज़ शोन है। तो ये छोटी सी बात थी नाइन ऑफ कप्स की। अब हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ लेजीनेस के बारे में। कार्ड ऑफ लेजीनेस में हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है एक बहुत ही एक आराम चेयर पर बैठा हुआ है, धूप का मज़ा ले रहा है, हाथ में उसने जो है पीना कोलाडा की जो है ड्रिंक ली हुई है और वो ऐसे रिलैक्स स्टेट में है कि उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस कार्ड में तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो देर इज़ अ क्रैक, एक क्रैक जो है उसके शीशे में उसका होना शुरू हो गया है। अगर हम देखेंगे कार्ड के तो उसके आसपास की जो दुनिया है जिसको वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित समझ रहा है वो टूटने लग गई है, वो टूटनी शुरू हो गई है, वो बिखरनी शुरू हो गई है। तो ये स्थिति बन रही है एक लेजीनेस की। और अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो ये कार्ड जो है हमें बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू कम आउट ऑफ योर लेजीनेस की। अब जो वक्त है वो लेजीनेस से बाहर आने का है और एक्शन लेने का है, और एक्शन में उतरने का है, कर्म में उतरने का है। तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन है जो बाहर बाहर की है। लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लेजीनेस जो है वो नंबर वन एनिमी है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, और कोई चीज़ इतना नुकसान नहीं करती जितना जो है लेजीनेस कर लेती है। डिज़ायर इतना तंग नहीं करते, डिज़ायर के अंदर आदमी उलझ के जो है उससे बाहर आ सकता है, लेकिन लेजीनेस में उलझ जाए तो उससे बाहर आना बहुत कठिन है। लेजीनेस है क्या कि एक लेजीनेस के अंदर आपके अंदर एक बड़ा गहरा एक पैटर्न हो जाता है जो कि आपकी जो बॉडी को और माइंड को जो है टोटली एक स्लीपीनेस में ले जाता है, और उस स्लीपीनेस में जाने के कारण जो है आप लाइफ से जो है दूर हो जाते हैं। लाइफ देखा जाए तो वो अपने आप में बहुत एक्टिव है, वाइब्रेंट है। अब इस चीज़ को और समझिए कि मैं जो है बाहर के एक्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भीतर एक एक्टिवनेस की। क्योंकि ये कार्ड जो है ओशो ज़ेन टैरो का है तो यहाँ पे बात हो रही है ध्यान की। तो ऐसी बहुत बड़ी एक स्थिति हो सकती है कि आपको लगे कि आप पहुँच गए, आप रिलैक्स हो गए, कि अब आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, कि अब आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, कि अब आपको जो मिल गया है बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया है, अब आपको आगे और चलने की इच्छा नहीं है। उस स्थिति में लेजीनेस घटनी शुरू होती है, आलस्य घटना शुरू होता है। क्योंकि अध्यात्म की यात्रा कुछ ऐसी है कि व्यक्ति को रुकना नहीं है, उसके चलने में ही उसकी मंजिल है। तो मंजिल कोई ऐसी नहीं है कि जब आप चलोगे तो आएगी, उसके चलने में ही उसकी मंजिल है। इसलिए बुद्ध अपने प्रवचन में बार बार इस बात का प्रयोग करते रहे, वो कहते रहे चरेवेति चरेवेति, कि नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट स्टॉप, एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है, चलते रहना है।
और उस चलने में ही जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और उस चलने में ही जो आपके भीतर की जो बैठी हुई जो लाइफ है वो वाइब्रेंट होती है, वो जिंदा होती है, वो आग की तरह भभक के जलती है। और जीवन वही है जो भभक के जले। उदास मायूस चेहरे, दुख से भरे हुए लोग, वो कहाँ से जो है ज़िंदगी के करीब आ पाएंगे। अगर हमने परमात्मा की बात करनी है, अगर हमने जो है उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो परमात्मा के स्वभाव के साथ एक होना पड़ेगा। और परमात्मा का स्वभाव क्या है? परमात्मा का स्वभाव है लाइफ से भरे होना, टू बी फुल ऑफ लाइफ। और उस फुलनेस की स्थिति में, उस लाइफ की वाइब्रेंसी की स्थिति में, जो आपकी लेजीनेस है वो जो है धीरे धीरे आपकी लाइफ से टोटली चली जाती है। कुछ क्षण के लिए आराम कर लिया, कुछ टाइम के लिए आप रुक गए एक जगह पे, वो ठीक है, लेकिन उसको मंजिल नहीं समझ लेना है, इसलिए चलते रहना है। गुरु ओशो जो है इस स्टेट को जो है नेगेटिव बताते हैं। आलस्य की जो स्थिति है वो एक नेगेटिव स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में आपको लगता है कि आप कुछ भी करने के लायक नहीं है, आपको अपने अंदर जो है एनर्जी नहीं मिलती है, आपको अपने अंदर जो है ऊर्जा नहीं दिखती, आपके अंदर जो है एक डलनेस होती है, जिसके कारण जो है आपकी एनर्जी जो है वो डल होनी शुरू हो जाती है। ओशो ये बात कर रहे हैं कि जब आप जो है कि डूइंग स्टेट में होते हैं, जब आपको लगता है कि आपको करना है, वहाँ पे जो है एग्जिस्टेंस की ऊर्जा जो है आपको हेल्प नहीं करती। लेकिन अगर आप अपना ईगो बीच में से हटा दें, अगर आप एक ऐसी स्टेट में, नॉन डूइंग की स्टेट में आ जाए, तो जो भी करने वाली चीज़ें हैं वो आप सब करेंगे। उस स्टेट में आप बिल्कुल एक्टिव होंगे, आपकी एनर्जी पूरी तरह से वाइब्रेंट होगी, और आप पूरी तरह से अवेयर होंगे, आपके अंदर जो डेडनेस होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने एक बिल्ली को देखा है, बिल्ली की जो एक्टिवनेस है वो अपने आप में बड़ी परफेक्ट है। वो जब बैठी होती है आप देखते हैं कि वो पूरी तरह से सुस्ता रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर एक एक्टिवनेस है जो हर वक्त जो है वो अवेयर है, कि अगर उसको उस वक्त मूवमेंट करनी पड़े तो वो मूवमेंट करेगी। तो वो जो एक एक्टिवनेस है कि ऊपर से ऐसा लग कि ऊपर से यू आर वेरी रिलैक्स, बट अंदर से यू आर टोटली एक्टिव, एंड दैट विल मीन यू आर अलाइव इन लाइफ। उसका ये अर्थ होगा कि आप जीवन में मृत नहीं है, जीवित है। तो जिस लेजीनेस की मैंने बात करी उसको हम पैसिविटी कहते हैं, इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेजीनेस जो है एक नेगेटिव स्टेट है, पैसिविटी जो है वो पॉजिटिव स्टेट है। तो पैसिविटी की स्टेट जो है होना एक बहुत एक शुभ लक्षण है। उसका ये अर्थ हुआ कि आप बाहर से जो है बहुत रिलैक्स्ड हैं, जो आपने काम करने हैं वो आप सब कर रहे हैं, एक वो जो तनाव जो होना चाहिए आपके अंदर वो तनाव नहीं है, और जो भी करना है वो एक बहुत रिलैक्स वे से चीज़ें घट रही हैं। जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। लेकिन लेजीनेस की अगर स्टेट देखें, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एनर्जीज जो है पूरी डेडनेस में है, और उस डेडनेस की स्टेट में आपकी स्पिरिचुअल यात्रा तो ख़राब होती ही होती है, आप वो आपके भीतर भी एक डलनेस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन एक ही है, प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर एक ही है। उत्तर यही है कि जब आप अपने भीतर के दिए के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जब उसको जलाना शुरू करते हैं, कैसे जलाएंगे? एक ही तरीका है, ध्यान का। पर्पस यही होना चाहिए कि कैसे आप उस ध्यान के दिए को जो है रोज़ के रोज़ जो है उसको जो है आग बनाते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं, और जैसे जैसे वो जो आपके भीतर का दिया है वो जलेगा, आपकी भीतर की जो लाइफ है वो जलेगी, और उस जलने के कारण जो है जो आपकी भीतर की जो लेजीनेस है वो जल के बाहर हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने अगर आपके भीतर आना है तो सारी की सारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर जो है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, और पैसिविटी उनमें से एक क्वालिटी है। इसलिए पैसिविटी जो है अपने आप में एक बहुत अलर्ट एनर्जी है, उसको जिस क्षण जो है एक्टिव होना है, उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना है, वो उसी वक्त जो है वो एनर्जी जो है अवेलेबल है यूज़ के लिए। एक सूफी कहानी है, एक शिष्य जो है अपने गुरु के साथ यात्रा कर रहा था। रात को सराय आई तो गुरु जो है भीतर सराय में चला गया और शिष्य को बोला कि देखो दोनों ऊँटों को बांध देना। शिष्य को जो है एक गहरा आलस पकड़ा, उसके मन ने जो है एक ट्रिक निकाली। क्या ट्रिक निकाली? उसने कहा कि परमात्मा जो है हमारे साथ है ही, मैं परमात्मा को बोल देता हूँ, मैं प्रेयर कर देता हूँ। उसने कहा हे अल्लाह मेरे ऊँटों का ध्यान रखना। सुबह जब दोनों की आँख खुली तो गुरु बाहर आया तो ऊँट जो थे वो गायब थे,
भाग गए थे, चोरी हो गए थे, कुछ हो गया था, लेकिन अब वहां नहीं थे। तो गुरु ने शिष्य को बुलाया और पूछा कि भाई ऊंट कहाँ है, तेरे को कहा था रात को बांधने को। तो शिष्य ने कहा कि देखो आपकी तरह मैं भी थका हुआ था, इसलिए ना मैंने अल्लाह से प्रार्थना कर दी और उनको बोल दिया कि भाई मेरे ऊँटों का ख्याल रखना। और एक बार नहीं, तीन तीन बार बोला था, अगर ब्लेम करना है तो अल्लाह को करो, परमात्मा को करो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तब गुरु ने कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखो, लेकिन ऊँट पहले बांधो। क्या अर्थ हुआ इसका? कि अपनी तरफ से काम जो है तुम कर दो पूरा, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी जो ड्यूटी है, जो तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कंप्लीट कर दो और फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। तो शिष्य पूछ सकता है कि जब ऊँटों को बांध ही दिया तो अल्लाह के ऊपर भरोसा क्यों करना? अल्लाह के ऊपर भरोसा इसलिए भी क्योंकि ऊँट बंधे हों तब भी चोरी हो सकते हैं, और अगर तुम्हारे बांधने के बावजूद भी जो है अगर ऊँट चोरी हो जाते तो इसमें अल्लाह की मर्जी होती। तो फिर इसमें अल्लाह हमारे लिए यही चाहता था कि हम ऊँटों के बिना यात्रा करें। तो अपनी तरफ से जो है ना, जो आपका जो एक्शन है, जो आपका जो कर्म है, उसको आप जो है अपनी तरफ से कंप्लीट कर दीजिए। उसको जो है किसी और के ऊपर मत छोड़िए, उसको अपनी लेजीनेस के ऊपर मत डालिए। और यहाँ पे जो ये व्यक्ति जो है जो प्रार्थना कर रहा था, वो सिंपली जो है एक लेजीनेस का एक एक्ट है। प्रार्थना भी जो है उसने इसलिए कर ली क्योंकि उसको उठना ना पड़े, तो प्रार्थना भी झूठी हो गई। प्रार्थना सच्ची तब होती जब ये व्यक्ति जो है उन ऊँटों को बांधता और उसके बाद परमात्मा का धन्यवाद भी करता। तो इस वीडियो के थ्रू आपको भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने ऊँटों को ज़रूर बांध के रखिए और प्रार्थना करते रहिए। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।